हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज के वीडियो में हमारे फॉर्म में जो एक्टिविटी चल रही है, फॉर्म अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे फॉर्म से आज बटेर की कटिंग होकर हम बटेर की ड्रेसिंग करवा के काफ़ी दूर भेज रहे हैं। हमारे फॉर्म से लगभग 500-600 किलोमीटर बटेर जाने वाले हैं। पहली डेस्टिनेशन है हमारी भोपाल, भोपाल में हमारा 500 बटेर का ऑर्डर है। उसके बाद हम बेचेंगे नागपुर, नागपुर में भी हमारा लगभग 600 बटेर का ऑर्डर है। तो आज हमारी ये पहली लॉट हमारी बटेर की जाने वाली ड्रेसिंग होके, तो आगे के वीडियो में हम उसकी आपकी सारी प्रोसेसिंग दिखाएंगे, बटेर को पैक कैसे करेंगे, बटेर की ड्रेसिंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम उसको कैसे पार्सल के थ्रू आइस पिकिंग करके भेजने वाले। फॉर्म पर हमारे सभी लड़के आ चुके हैं और बटेर की कटिंग के लिए और ड्रेसिंग के लिए जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने अरेंज कर ली है और कुछ ही देर में अपना काम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बटेर को इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। हमारे फार्म पर अभी लगभग 1500 बटेर बची हुई है और इन्हीं बटेर में से लगभग 1200 बटेर अगले 2 दिन में हम अपने ऑर्डर के जरिए बाहर भेज देंगे। हमारी फार्म के बटेर का वज़न 180 ग्राम से ऊपर और 200 ग्राम के आसपास है, जो सेल करने के लिए उपयुक्त वज़न है। हमने बटेर की कटिंग का काम सुबह 9 बजे स्टार्ट कर दिया था ताकि इसे आइस बॉक्स में पैक करके सुरक्षित रख सके। इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए हमने 10 लड़कों को काम पे लगाया था ताकि काम हमारा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और हमारी बटर की काफ़ी सारी कटिंग हो चुकी है। अभी लड़के हमारे नाश्ता करने के बाद कटिंग की हुई बटेर की काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद हम उसे आइस बॉक्स में पैकिंग करने के लिए लेके जाएंगे। बटेर के पीसेस को आइस बॉक्स में पैक करके भेजने से हमारा यह फ़ायदा होता है कि अगले 6-7 दिनों तक ये सुरक्षित रहेंगे और जर्नी के दौरान किसी भी तरीके का कोई अगर प्रॉब्लम आती है तब भी हमें इसमें कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक आइस बॉक्स में सेफ रह सकते हैं। हमने जिसे बर्फ का ऑर्डर दिया है वो थोड़ी देर में बर्फ लेके हमारे फॉर्म पहुंचने वाला है। ये हमारे थर्माकोल के आइस बॉक्स हैं जिसमें हम अपने बटर की पैकिंग करके भेजेंगे। इस तरीके के जो थर्माकोल के आइस बॉक्स होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं एक लंबी यात्रा के लिए। ये हमारी बर्फ की सिल्ली है जो हमने ऑर्डर करके मंगवाई थी। इसका वेट लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास है। सबसे पहले हम इसके 4 टुकड़े करेंगे और 4 टुकड़े करने के बाद उन 4 टुकड़ों को बारीक बारीक टुकड़ों में करके आइस बॉक्स के अंदर पहली लेयर बिछाएंगे और उस लेयर के ऊपर हम बटेर के लगभग 150 पीस एक बॉक्स में डालेंगे। एक बॉक्स में हमारे 150 पीस काफ़ी आसानी से बर्फ में पैक होकर सुरक्षित तरीके से लगभग 6-7 दिन रह सकते हैं। हमने सबसे पहले आइस बॉक्स की सरफेस में
बर्फ डाला है और बर्फ की एक काफ़ी मोटी चादर मैं नीचे बिछा दी है। बर्फ बिछाने के बाद उसके ऊपर अब हम बटेर रखना स्टार्ट करेंगे और लगभग 150 पीसेस एक बॉक्स में हम इसी तरीके से रखेंगे और फिर उसको ऊपर से बर्फ से अच्छी तरीके से ढक देंगे ताकि हमारा बटेर फ्रेश रहे। हमने हमारे सारे आइस बॉक्स की अच्छे से पैकिंग कर दी है क्योंकि ये काफ़ी लंबे ट्रेवल पे जाने वाले और एक घंटे बाद हमारी ट्रेन है और इन सारे पार्सल्स को हम ट्रेन के थ्रू उनके डेस्टिनेशन पे भेज देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।